व्यक्ति का चरित्र भी बदलता है। लेकिन कई बार ऐसा देखने को मिलता है खूब नाम जप रहे हैं, दिन रात कीर्तन कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उनका चरित्र कोई परिवर्तन नहीं। तो जबकि एक तरफ आपने कहा कि भाव से लो या कैसे भी लो, नाम तो प्रभु का नाम है, पर परिवर्तन फिर भी नहीं हो पाता। कृष्ण नाम करे अपराधी विचार है? অপরাধ করলে নাম কৃষ্ণ নাম করে অপরাধের বিচার, নাম লইল নামের না হয় বিকার। আচ্ছা, কৃষ্ণ নাম অপরাধ কা বিচার করতে হয়, কবি সন্ত অপরাধ ইসে বাঁচে রহনা চাই, ধাম অপরাধ নাম অপরাধ সে বাঁচে রহনা চাই, ইয়ে দোনো বহুত বিঘাতক হতা হয়। সন্ত অপরাধ ছয় প্রকার কা হতা হয়, হন্তি নিন্দন্তি বৈদেষ্টি বৈষ্ণব নবনন্দতি ক্রুদ্ধতে জাতি নহত্র দর্শনে পতনা নিষাদ, এই ছয় প্রকার সন্ত অপরাধ হতা হয়। হন্তি প্রহার করলে সে, নিন্দন্তি নিন্দা করলে সে, বৈদেষ্টি মনে হম দেশ ভাবনা রাখতে হ্যাঁ উসকা এতই নেই লেকিন মন মে উসকে প্রতি কোই আদর বুদ্ধি নেই হ্যাঁ কোই প্রেম নেই, উনকা অমঙ্গল চাহতে হ্যাঁ, ইয়ে দেষ্টি ইয়ে ভি অপরাধ হতা হয়। বৈষ্ণব অনভিনন্দতি, বৈষ্ণব অভিনন্দন আদর সৎকার না করার, ক্রুদ্ধতি ক্রোধ প্রকাশ করার কিছু বৈষ্ণব কে, জাতি ন ভাষণ দর্শনে দর্শন মাত্র সে আনন্দ প্রকাশ নেই করার, ছয় প্রকার বৈষ্ণব অপরাধ হতা হয়। তো বৈষ্ণব অপরাধ সে বাঁচিয়ে রাখা চাই, তো ভুল হয় বৈষ্ণব উসকে অন্দর এই সন্ত মহত নিন্দা শতাঙ্গ নিন্দা ये बहुत विघातक होता है। तो ये अपराध प्रवणता रहता है ना, और ब्रजमंडल तो संत का ही निवास स्थल है, भजन स्थल ही है, जहाँ जहाँ वही संत है, जहाँ तो कोई संत है, जो आते हैं संत है, ये बहुत खतरनाक है। ऐसा नहीं, यहाँ कमाई भी ज़्यादा है, खर्चा भी ज़्यादा है, अगर सावधान नहीं होगे तो इतना खर्चा होता है कि तुम्हारा जो कमाई है वो भी जाएगा और कर्ज हो जाएगा। कमाई है सहज है, ब्रजराज है, सहज लभ्य हो रहा है, उठते बैठते यहाँ वहाँ जाते हैं, सब संत दर्शन होता है, जहाँ जाओ वहीं हरिनाम संकीर्तन सुनने को मिलता है, सत्संग के लिए कहीं इधर भटकने का जरूरत नहीं, जहाँ जाओ वहीं संत है, बैठो तो कुछ कथा सुनने को मिलता है, इतना सहज उपलब्ध है जो कि बाहर में ये संभव है। कमाई तो बहुत है लेकिन खर्चा भी बहुत है, संत के प्रति अनादर बुद्धि, नाना प्रकार अश्रद्धा, एक साधारणीकरण अपराध हो जाता है। यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता, उपरिया छिंडे तार सुखी जाए पाता, ताहे माली जत्न करी करे आवरण, अपराध हस्ती जैसे ना हय उद्भव, মত্ত হস্তি যায় শিষ্য সন্ত অপরাধ বৈষ্ণব অপরাধ। একদম কর্পলতা কো ভক্তির বে কর্পলতা কো উখাড় কে ফেঁক দিতে হয়, সুখ যাতা হয় কর্পলতা কবি হোগাই নেই, লাগ ভজন করো, ইসিলিয়ে বড়ে সাবধান সে ভজন করনা চাহিয়ে, কাহি সন্ত অপরাধ না হো, কাহি মন বচন সে কই সন্ত কষ্ট না करना चाहिए, हमारे तरफ से कोई ऐसे व्यवहार नहीं होना चाहिए, संत को कष्ट नहीं, ये है बात। लेकिन ये ब्रज में ये धरंधर होता है ना, जिस कारण उस परिवर्तन होता है। श्रद्धा नहीं है लेकिन तुम उसको बार बार कह रहे हो नहीं तो हरिनाम करो ये होगा, और उसको श्रद्धा ही नहीं।
तो अश्रद्धा लोग हरिनाम उपदेश करते हैं। लेकिन महाप्रभु को महाप्रभु के संपर्क में जब आ गया उसका श्रद्धा ऑटोमेटिक हो गया, उसके भीतर श्रद्धा उत्पन्न हो गया। अच्छा, श्रद्धा उत्पन्न हुई है उसके बाद? हाँ, उसके बाद ही उपदेश किया। जब रोना शुरू कर दिया चरण पकड़ के, हमने बहुत अपराध किया है, छाती में बन गया, तो महाप्रभु कृपा से उसकी मलिनता नष्ट हो गई, श्रद्धालु हो गए। तो फिर जाके उसको नाम उपदेश को अपने घर में ले गए, लेकर के सब सबसे प्रार्थना किए, सब कृपा करो कि जगह मधाई उनके प्रति कृपा करो, सब संत कृपा किए हैं, फिर महत्व सब कृपा आप लेकर के अपने सुनार वरण स्वर्ण वरण वो काला हो गया, काला पड़ गया, दिखाए हैं सबको, जगाई माधाई को कह रहे हैं कोटि कोटि जन्मे जत आछे पाप तोर आर जदि ना करिस तो सब ताई मोर, करो करो जन्म का जितना पाप है हमको दे दे, अगर तो प्रतिज्ञा कर जो कभी और ऐसा भूल नहीं करता, कोटि कोटि जन्मे जत आछे पाप तोर आर जदि ना करिस, फिर दोबारा तो नहीं करता है, तो सब ताई मोर, सब मेरा है, सब पाप मेरा है। ये महाप्रभु का अहित कृपा, ऐसा तो साधारण क्षेत्र में ऐसा सुनना होगा तो होता नहीं है। प्रभात फेरी करते हैं, संकीर्तन करते हैं, बहुत लोग जिनमें श्रद्धा नहीं कुछ मतलब अपशब्द कहते हैं कि क्या कर रहे हैं, तो उस समय उनको सुनाना चाहिए, समझाना चाहिए? नहीं, उपदेश तो हम नहीं कर रहे हैं लेकिन समझाने में दोष नहीं है, उपदेश हम नहीं करते तुम हरि नाम करो, तुम हरि नाम करो, समझाने में तो कोई दोष नहीं है, समझाना चाहिए। संकीर्तन परिहर्षण हिरणमेव वा वैकुंठ नाम गुरुनाथ अशिष अगौरंगी आदि गुरान कहते हैं। संकेत सांकेतिक शब्दों के माध्यम से भगवान नाम लेना, परिहास मजाक से अवहेलन के साथ भगवान नाम ग्रहण करने से मतलब अशेष अमंगल को नष्ट करने में समर्थ है भगवान नाम। महाप्रभु कहें उठीते बसीते खाईते सुईते जता तथा नाम लय देश काल नियम नहीं सर्वसिद्धि है अगर भजन ऐसे ध्यान धारणा ऐसे नहीं हो पाता है तो मुख में अखंड नाम रखने का चाहिए, एक सरल उपाय है। काम भी चलता रहे, नाम भी चलता रहे, दोनों जीवों पर तो सहज हो जाएगा भजन, समय का इंतजार करोगे तो भूल हो जाएगा, समय किसी का हाथ में आया नहीं।